आता आपण पाहतो या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुका आणि सावंतवाडी तालुक्यातील एक नामांकित अशा प्रकारचं कॉलेज म्हणजेच राणी पार्वती देवी हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी. आज 14 सप्टेंबर 2023 जो हिंदी दिवस साजरा करण्यात येतो तो आजच्या या कॉलेजच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला आहे. तर ह्यासमोर आपण जे पाहतो आहे स्क्रीनसमोर आपल्या हिंदी विभागाचे प्रमुख ओटवणेकर मॅडम त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की आजचा जो कार्यक्रम आहे तो कशाप्रकारे संपन्न झाला, काय कार्यक्रमाचं स्वरूप होतं त्याविषयी आपण जाणून घेतो आहे. नमस्कार, काय सांगाल आजच्या या कार्यक्रमाबद्दल? आजचा आरपीडीमध्ये जो कार्यक्रम संपन्न झाला, ॲक्च्युली तो लोकनेते नामदार स्वर्गीय भालचंद्र अनंत तथा भाईसाहेब सावंत जन्मशताब्दी वर्ष 2023-24 के अंतर्गत संपन्न हुआ है. और हिंदी भाषा साहित्य के द्वारा किस तरह से समृद्ध हुई है यही दिखाने का प्रयास हमारे विद्यार्थियों ने किया, जिसमें अलग अलग उन्होंने नामांकित प्रसिद्ध कवियों की कविताएं वहां पर सादर की, भजन की, इतना ही नहीं एकांकिका सादरीकरण हुआ और साथ साथ जो फिल्मी गीत हैं जो कवियों ने लिखे हैं और उन्हें फिल्मों में संगीत के द्वारा सादर किया गया, फिल्मों में उन गीतों का भी सादरीकरण यहाँ पर किया गया. एक समग्र रूप अगर हम देखें भाषा का, हिंदी भाषा का, तो साहित्य और मनोरंजन के द्वारा किस तरह से हिंदी भाषा समृद्ध हुई है यही आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा हमने दिखाने का प्रयास किया है. और इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने काफ़ी उत्साह से जो है भाग लेकर, सहभाग लेकर अच्छे से प्रदर्शन किया, जो कि कार्यक्रम उन्हीं की वजह से संपन्न हुआ है. और हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब सावंत प्रतिष्ठान को जिनके अंतर्गत ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है. और एक बात आपको मैं पूछ रहा हूँ कि जो जो हिंदी दिन है, मतलब हिंदी विभाग से बहुत सारे उपक्रम यहाँ पर सादर किए जाते हैं और ये जो उपक्रम है इससे मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब हाँ. विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से? हाँ, जिस तरह से मातृभाषा है महाराष्ट्र की है मराठी, उसी तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्र के तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमें वाणी होनी चाहिए खुद की निजी, और जो कि निजी भाषा है हमारी हिंदी, जो संस्कृत से पूरी तरह से निर्माण हुई है और संस्कृत हमारी भाषा थी, तो ये पूर्णतः निज भाषा है. और इस भाषा को हमें आज राजभाषा के तौर पर हमने स्वीकार किया है, मगर राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे आज तक नहीं मिल पाया. कहीं ना कहीं प्रांतीयवाद है, धार्मिक वाद है या फिर अलग अलग भाषाओं का वाद है, ये इन्हीं वजह से हम उसे स्वीकार नहीं कर पाए हैं राष्ट्रभाषा के तौर पर. तो ये हमें विद्यार्थियों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमारी खुद की वाणी होनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी निज भाषा में बात कर सकें और हमारी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर हम अभिमान कर सकें, गर्व कर सकें. ये विद्यार्थियों में राष्ट्रभाषा के प्रति गर्व निर्माण करना, अभिमान निर्माण करना, यही इस दिन को संपन्न करने के पीछे हमारा उद्देश्य है, जो कि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है, क्योंकि आज हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ गया है और विश्व में भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत भर ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों में 127 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और लोग पढ़ भी रहे हैं. ओके, धन्यवाद. आज या ठिकाणी आपल्या या माझा सिंधुदुर्ग यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी या अंतर्गत जो संपन्न झाला होता तो हिंदी दिवस खूप छानरित्याने या ठिकाणी सादर करण्यात आला, याविषयी आपण जाणून घेतलं आपल्या हिंदी विभागचे प्रमुख ओटवणेकर मॅडम यांच्याकडून. खूप खूप धन्यवाद आणि पुढच्या उपक्रमांसाठी खूप खूप शुभेच्छा.